हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मनीषा और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इजी स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एलोवेरा चाहिए। ये मैंने फ्रेश एलोवेरा लिया है, थोड़ी सी हल्दी, गुलाब जल, मुल्तानी मिट्टी और ये मैंने कॉफ़ी पाउडर लिया है। इसे हम 5 स्टेप में करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एलोवेरा को 5 टुकड़ों में काट लिया है। इस एलोवेरा को हम किनारे से कट कर लेंगे। इसे हम इस तरीके से किनारे से कट कर लेंगे। एलोवेरा फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस तरीके से सबको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सबको अच्छे से कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम अपने फेस को क्लीन करेंगे। इसके लिए एक एलोवेरा को लेंगे, और इसे इस तरीके से अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। अगर आप एलोवेरा से अपने फेस को क्लीन करते हैं तो यह फेस को अच्छे से क्लीन कर देता है, आपके फेस पे थोड़ी सी भी गंदगी नहीं रहने देता। तो एक बहुत ही अच्छा क्लींजर का काम करता है। इस तरीके से 1 मिनट तक करना है। 1 मिनट तक ऐसा कर लेने के बाद इसे हम वेट वाइप से पोंछ लेंगे। अगर आपके पास वेट वाइप्स नहीं है तो आप कॉटन को भी पानी में डिप करके उससे अपने स्किन को पोंछ सकते हैं। ये मैंने क्लीन कर लिया। एक एलोवेरा लेंगे और इसमें कॉफी पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे आप चीनी या फिर चावल के आटे से भी आप स्क्रब कर सकते हैं। इस तरीके से आपको 3 से 4 मिनट तक अपने फेस पे स्क्रब करना है। इसे आप वीक में 2 बार कर सकते हैं और यह फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एलोवेरा के यूज से आपके फेस पे ग्लो आएगा और जितने भी आपके फेस पे डेड स्किन होगा वो सब रिमूव हो जाएगा। ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होगी या फिर व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम होगी वो सब इससे ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से स्क्रब कर लेने के बाद इसे आप पानी से धो लीजिए। तो इसके लिए मुल्तानी मिट्टी लिया है मैंने यहाँ पे 1 चम्मच। इसमें बहुत थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। इसके बाद एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। और इसमें गुलाब जल ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसे हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। इसे अप्लाई कर लेने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसे ऐसे ही लगा रहने दे। उसके बाद इसे ठंडे पानी से धो लीजिए। इस पैक के लगाने से आपके फेस पे ग्लो आएगी। यह ऑल स्किन टाइप है, इस पैक को कोई भी लगा सकता है। इसके बाद हम टोनर बनाएंगे। इसके लिए इसके बाद इसमें हम 1 चम्मच गुलाब जल ऐड करेंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा टोनर बनके तैयार हो गया। अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। आप इसे
स्प्रे बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में 1 वीक के लिए। अगर आप इसे 1 वीक के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप एलोवेरा को मिक्सर में पीस लीजिए, उसके बाद उसमें गुलाब जल ऐड करिए, फिर उसे स्टोर करके रख दीजिए। इसके लिए ये एलोवेरा को लेंगे और इस तरीके से करके अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे और यह समर सीजन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जिसकी स्किन ऑयली हो खासकर उसके लिए इसके यूज से आपके फेस पे पिंपल नहीं होंगे। अगर आपके फेस पे दाग धब्बे हैं तो अभी इससे दूर होंगे। अगर सनटैन की प्रॉब्लम है तो अभी इससे रिमूव होगी। फेस पर झाइयां हैं, झुर्रियां पड़ गई हैं तो यह उसे ठीक करता है। एलोवेरा के बहुत से फायदे हैं हेयर और फेस के लिए, तो इसे आप जरूर ट्राई करें। और ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।